अभी वो महल्ले की जिंदगी से पूरे तौर पर महजूज ना होने पाया था कि एक रोज अली अहमद और सफिया आ गए। दादी अम्मा उन्हें देख कर चिल्लाई, अली अहमद तो हाँ, उन्होंने लापरवाही से कहा, ये बीमार है। हाजरा ने दोनों हाथ सीने पर रख लिए, अल्लाह खैर करे, कौन बीमार है, कहीं सफिया तो? सफिया के आने पर सारा महल्ला उनके गिर्द जमा हो गया। एक क्या हुआ सफिया को? लो खामखा, अच्छी भली तो है सफिया। क्यों सफिया, क्या बात है, कौन सी तकलीफ हो गई तुझे? सफिया का रंग जर्द हो चुका था और वो पलंग पर पड़ी खांसती रहती थी। आराम आ जाएगा, तू खामखा फिक्र करती है। एली ने सफिया को देखा, उसके हाथ की मेहंदी बिल्कुल उड़ चुकी थी, अंगूठियां और भी मैली हो गई थी, मगर उसका जिस्म वैसे का वैसा ही था, माथे पर शिकन उसी तरह पड़ी थी। एली को यकीन ना आता था कि वो बीमार है। वो उसके करीब जाते हुए डरता था कि कहीं एकदम से उस पर झपट ना पड़े। अगर वो बीमार थी तो उसकी तेवरी क्यों चढ़ी? बीमार तो घुरा नहीं करते। नहीं नहीं, सफिया बीमार नहीं, उसने अपने दिल में फैसला कर लिया। इसके बावजूद सफिया बीमार थी और लोग रोजाना उसकी इयादत के लिए उनके घर आया करते थे। वो चुपचाप चारपाई पर पड़ी रहती और छत की तरफ देखती रहती। एहे, तू किस फिक्र में पड़ी है लड़की? महल्ले वालियां उसे प्यार से घूरती। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, जरा परहेज का ख्याल रख और बस। लेकिन इन बातों के बावजूद सफिया का छत को घूरना ना गया। सारा दिन वो छत को घूरती रहती और हाजरा उसकी चारपाई के गिर्द यूं घूमती रहती जैसे हाजरा शहनशाह बाबर हो और सफिया उसका बीमार बेटा हुमायूं। फिर शाम के वक्त जब गर्मी बढ़ जाती तो हाजरा सफिया को सहारा देती और वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसे कोठे पर ले जाती ताकि खुली हवा में सो सके। एक रात जब वो सब कोठे पर सो रहे थे तो आंधी चलने लगी, बूंदाबांदी होने लगी। हाजरा का ख्याल था कि जल्द ही आंधी थम जाएगी, इसलिए वो सफिया को उठाकर बरसाती में ले गई ताकि उसे नीचे गर्मी में तकलीफ ना हो। ये आंधी एक आम आंधी थी, आंधियां अक्सर आया करती थी। चंद एक मिनट के लिए तेज हवा चलती, बादल गरजता, छींटे पड़ते और फिर मतला साफ हो जाता। अली अहमद, सैयदा और दादी अम्मा के नीचे चले जाने के बाद वो आंधी तूफानी सूरत इख्तियार कर गई। हाजरा घबरा गई। हाजरा के लिए दो छोटे छोटे बच्चों की मदद से सफिया को नीचे ले जाना मुश्किल था। तूफान और भी तेज हो गया। हवा मकानों और दुकानों से टकरा टकरा कर यूं चीखने लगी जैसे जंगल में शेर दहाड़ता है। आसमान पर सिया रंग की घटा छा गई। बिजली की कड़क से कान फटे जा रहे थे। एली और फरहत जाग पड़े। वो दोनों डर कर रोने लगे। अम्मा अम्मा, उधर मरीजा करा रही थी। बरसाती में दो खुले मेहराब थे जिन पर पट नहीं लगे हुए थे। इन मेहराबों में हवा चिंगाड़ रही थी। हाजरा ने चिल्ला चिल्ला कर अली अहमद, दादी अम्मा और सैयदा को आवाजें दी, लेकिन तूफान की शिद्दत की वजह से उसकी आवाज निचली मंजिल तक ना पहुंच सकी। तूफान की शिद्दत के साथ मरीजा की हालत बिगड़ती जा रही थी। हाजरा घबराहट में इधर उधर देखती रही। मरीजा कराह रही थी, बच्चे रो रहे थे। हवा से महफूज रखने के लिए उसने चारपाइयां मरीजा की गिर्द खड़ी कर दी और एली और फरहत से कहा कि इन्हें थामे रखे, मगर हवा के झोंकों ने चारपाइयों को उठाकर फेंक दिया। दोनों बच्चे चारपाइयों के साथ दीवार से टकराए। बच्चे डरकर चीखें मारने लगे। फिर दफतन उनकी निगाह मरीजा पर जा पड़ी। मरीजा दीवानों की तरह सर चला रही थी। उसका सर और आंखें घड़ी के पेंडुलम की तरह हिल रही थीं। आंखें पथराई जा रही थीं। दम उखड़ रहा था। हाजरा घबरा गई। रोते हुए बच्चे सहम गए। बादो बारां के इस तूफान की निस्बत वो तूफान जो मरीजा के सीने और आंखों में चलता हुआ महसूस होता था कहीं ज्यादा भयानक था। उनकी तवज्जो बेरोनी तूफान से हटकर सफिया की तरफ मबजूल हो गई। मैं जाती हूँ, मैं किसी को बुलाती हूँ, हाजरा घबरा कर चिल्लाई। सफिया का सर इनकार में और भी शिद्दत से हिलने लगा। फिर एक साथ के लिए सफिया का सर थम गया। उसकी आंखों की वो भयानक मुर्दनी कम हो गई। उसने होंठों पर जबान फेरी। सफिया ने हाजरा का हाथ थाम लिया। मैंने तेरी कदर ना की। उसकी निगाह में बेबसी की एक अजीब झलक थी। चंद साथ के लिए उसने अपनी निगाहें हाजरा पर जमाए रखी। फिर उसकी आंख से एक मोटा सा आंसू ढलक आया और गाल से फिसलकर बालों में खो गया। फिर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और बाजू गिरकर लटकने लगा और सर हमेशा के लिए साकत हो गया। अम्मा, एली ने चीख मारी। हाजरा ने सर पीट लिया। सफिया सफिया। तूफान थम चुका था। नीचे बड़े कमरे में पलंग पर सफिया की लाश पड़ी थी और उसके गिर्द महल्ले वालियां बैठी बातों में मशगूल थी। सफिया का जिस्म चादर से ढका हुआ था लेकिन उसका जूंडा साफ दिखाई दे रहा था। एली ने दो एक बार सफिया की तरफ देखा। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो मौत का बहाना करके पड़ी हो, जैसे अभी जाग उठेगी, कहेगी एली बाजार से दूध ले आओ।
हाजरा तो मेरी बीमारी का बहाना करके आराम से बैठी है, चल उठ बर्तन साफ कर, चल उठ। लाश में जुम्बिश हुई, एली का दिल डूब गया, सफिया का जूंडा खुलकर लटकने लगा। महल्ले वालियों ने बा आवाजें बुलंद कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। एली चीख मारकर भागा, दादी अम्मा दादी अम्मा। दादी ने उसे थाम लिया, तू क्यों बैठा है, इधर आ मैं तुझे सुला दूं, दादी अम्मा ने उसे बाजू से खींचते हुए कहा। सफिया की वफात पर हाजरा कई दिन तक रोती रही। रह रह कर सफिया का वो फिकरा याद आता था कि मैंने तुम्हारी कदर ना की। उस वक्त उसकी आंखों में फख्र भरी चमक लहराती और गालों पर आंसू बहने लगते। बरसों की खिदमत गुजारी और इश्क के बदले उसे एक फिकरा मिला था, मैंने तुम्हारी कदर ना की। हाजरा इस फिकरे को तमगे की तरह सीने पर लगाए फिरती थी। उस एक फिकरे की वजह से उसका अंदाज बर्तरी में बदल गया था। वो इस एक फिकरे की खातिर एक बार फिर उम्र भर किसी की खिदमत गुजारी में बसर कर सकती थी। सफिया की मौत से अली अहमद के घर के रोजमर्रा में कोई खास फर्क न आया। एली उसी तरह अर्जुमंद से एंकर एंडिमा बाओं की तफसीलात समझता रहा। अगरचे अमली तौर पर इन तफसीलात का कोई नतीजा ना हुआ, कभी कभार खिड़की की दर्ज से वो हिकोरी डुकोरी के मुख्तलिफ साइज देखता रहा, महल्ले के जवानों के साथ क्रिकेट के मैदान में जाता रहा, जलील और रफीक के साथ काजी दरवाजे के पास तंग गली में झाड़ू देने वाली की शोखियों को बगौर देखता और दादी अम्मा के साथ लिपट कर सोता रहा। हाजरा उसी तरह सारा दिन बावर्ची खाने में बर्तन मांजती, खाना पकाती और अली अहमद की चिल्लमे भरती और फरहत हसबे मामूल घर के काम करने के अलावा सहेलियों के घरों के चक्कर लगाती रहती और दादी अम्मा उसी तरह घुटनों में सर दिए चूल्हे के पास बैठी रही और उसके पास सैयदा खामोशी से तिनकों से जमीन कुरेदती रही और अली अहमद वही फटी हुई मैली धोती बांधे डेस्क के रजिस्टर में लिखते रहे और महल्ले की चमगादड़ें रात को इहाते पर चीख चीख कर मंडलाती रहीं। बच्चे खेलते रहे, बूढ़ियां उन्हें घूरती रहीं और महल्ले के बूढ़े नमाज अदा करने के बाद खांसते हुए सर लटकाए घरों के दरवाजे खटखटाते रहे और सफ्तर दादी अम्मा की दीवार पर फेंकने के लिए मंछल पुटाश के पटाखे तैयार करते हुए गुनगुनाता रहा, हाफिज खुदा तुम्हारा, ए दिलरुबा ए दिलरुबा मैं हूं फिदा। फिर एक दिन अली अहमद के यहां मेहमान आ गए। हाँ यही तो मकान है, तुम आगे चली जाओ, घबराने की क्या बात है, एहे तुम्हारा अपना महल्ला है। चाची हाजा की आवाज आई, कौन आया है चाची, माई जीमा बोली, अपने अली अहमद के मेहमान आए हैं। कौन मेहमान आए हैं चाची, किन के घर आए हैं, मेहमान आए हैं, दादी अम्मा ने सर उठाकर देखा। देख तो लड़की कौन मेहमान आए हैं, शामकोट से तो नहीं आए, कौन आया है, अली अहमद कलम डेस्क पर रखते हुए बोले और फिर हसबे आदत जल्दी से कमीज पहनने लगे। हाजरा बावर्ची खाने से निकलकर चुपचाप दरवाजे में आ खड़ी हुई, उसकी आंखें अभी से पुरनम हो रही थीं कि शायद मेहमानों के आते ही सफिया की मौत पर इजहार अफसोस करना पड़े, शायद वो आए ही इसी गरज से हो। एली सहम कर खड़ा हो गया, फरहत अपना दुपट्टा संभालने लगी। सब सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे, सीढ़ियों से हल्के हल्के कहकों की आवाजें सुनाई दी, कोई हंस रही थी जैसे स्कूल की लड़कियां हंसती हैं। एक कह रही थी, तुम चलो आपा, चलो भी ना, दूसरी बोली, तू खामखा झेमती है। फिर कोई सुरीली आवाज में हंस पड़ी जैसे घंटियां बज रही हूं, ए है कौन है, दादी अम्मा बोली, आ जाओ ना ऊपर, सलाम कहती हूं, वो दोनों दरवाजे में आ खड़ी हुई, फरहत कहाँ है, हाय, फरहत चिल्लाई, ये तो सारा सबूरा है, और भागकर उनसे लिपट गई। दादी अम्मा कौन है, दादी अम्मा, इहाते से औरतों ने पूछना शुरू कर दिया, कौन आया है, लड़कियां हैं, दादी खिड़की में जा खड़ी हुई, अपनी फरहत से मिलने आई हैं, अपनी ही बच्चियां हैं, अल्लाह उम्र दराज करे, बड़ी दूर से आई हैं खैर से, हाँ चाची सहेलियां जो हुई, अच्छा किया जो मिलने आ गईं, क्या नाम है लड़कियों के। चंद एक साथ में महल्ले भर में ये खबर पहुंच चुकी थी जैसे तालाब में पत्थर फेंकते ही छोटी छोटी लहरें चारों तरफ फैल जाती हैं। देर तक महल्ले में वो लहरें नाचती रहीं, फिर सुकून तारी हो गया। लेकिन अली अहमद के घर में एक दबा दबा तूफान उभर रहा था। उधर बड़े कमरे में हाजरा फरहत सारा सबूरा बैठी बातें कर रही थीं। कमरे से हल्के लतीफ कहकहे सुनाई दे रहे थे, ऐसे रंगीन कहकहे जो महल्ले के किसी घर से कभी सुनाई न दिए थे। बाहर दादी अम्मा चूल्हे पर घुटनों में सर दिए बैठी थी और उसके पास सैयदा सर हाथों में थामे तेल से भरी कड़ाही को हसरतनाक निगाहों से देख रही थी। अंदर अली अहमद कमीज पहने बार बार चोर निगाहों से झांकते और फिर हुक्के के कश लेना शुरू कर देते और खांसते, फिर वो एकदम इज़्तिराब से आवाज देते, एली की माँ हुक्का भर दो, फिर कलम उठाकर लिखने की कोशिश करते और फिर खांसने लगते, एली की माँ कौन आई हैं,
लड़कियां हैं, अच्छा तो दुराहे से आई हैं। दुराहे में ये लोग रहते कहाँ हैं? फाटक वाले मोहल्ले में। अच्छा, वो जो सब्ज खिड़कियों वाला मकान था वहां। तो अपने काजी अजहर हुसैन की बेटियां हैं। लो, तुमने पहले क्यों ना बताया, वो तो बिल्कुल अपने ही हैं। जब हम दुराहे दौरे पर जाया करते थे तो काजी अजहर ही के घर रहा करते थे, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे काजी जी से। उनकी बातों के दौरान दादी अम्मा उनकी कमीज को घूर घूर कर देखती और माहूम आहें भरती। एली भी उनकी कमीज की तरफ देखता रहा। किसी के आने पर वो कमीज जरूर पहना करते थे, मगर जल्द ही मुतमईन होकर उतार भी देते थे और फिर अपने काम में लग जाया करते थे। लेकिन न जाने सारा सबूरा के आने पर उन्होंने कमीज क्यों ना उतारी थी। फिर कुछ देर के बाद वो चिल्लम उठाए खुद बाहर चूल्हे की तरफ आ रहे थे। वो तो चिल्लम भरने के लिए एली या किसी और को आवाज दिया करते थे। वो हंसने लगे और आवाजें बुलंद बोले, अपने काजी अजहर की बेटियां हैं, एक मरतबा हम काजी साहब से मिलने गए। ये कहते हुए वो उठ खड़े हुए और उस कमरे की तरफ चल दिए जिसमें लड़कियां बैठी थी। काजी साहब बड़े तपाक से मिले, वो सब्ज खिड़कियों वाला मकान था ना फाटक महल्ले में, वो अंदर घुस गए। अच्छा, तो तुम बड़ी लड़की हो उनकी। सारा हो, तुम फरहत की हम जमात हो, और ये सबूरा है। बाहर चूल्हे के पास दादी अम्मा चिमटे से जमीन कुरेद रही थी, उसका हाथ कांप रहा था। सैयदा की आंखों में चमक लहरा रही थी और वो हसरतनाक निगाहों से तेल की कड़ाही को घूरने की बजाय गौर से उस तिनके का जायजा ले रही थी जो चूल्हे के साथ चिमटा हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता कान से दुपट्टा सरकाए जा रही थी। आओ ना इधर, इस तरफ, इस कमरे में। अच्छा तो काजी साहब का अब क्या हाल है? एली भाई, भाग कर जा और ले आ कुछ बोतलें और कुछ। इधर आओ ना सारा, इन्हें ले आओ ना एली की माँ। बहुत ही भले आदमी थे इनके अब्बा, हमारे दोस्त थे। हाजरा मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी मुस्कुराहट में बला का इज़्तिराब था और फरहत के माथे पर बल पड़ रहे थे। अली अहमद की मुसलसल ही की आवाज आ रही थी। दादी का हाथ कांपे चला जा रहा था और सैयदा का कान बिल्कुल नंगा हो चुका था। शाम को अर्जुमंद ने आवाज दी, आया। एली चिल्लाया, लेकिन न जाने क्यों अर्जुमंद एली का इंतजार करने के बजाय चुपचाप ऊपर आ गया, हालांकि वो आमतौर पर एली के घर आने से गुरेज किया करता था। दादी अम्मा सलाम, एली घर है क्या? उसने चोरी चोरी दालान की तरफ देखा जहां सारा और सबूरा बैठी थी और फिर दरवाजे से बाहर उस मकाम पर खड़ा हो गया जहां दालान में बैठी हुई लड़कियां उसे अच्छी तरह देख सकती थी। उसने जेब से रेशमी रुमाल निकाला और उसे गर्दन पर फेरने लगा, फिर वो एक अंदाज से खड़ा हो गया। बैठ जा, दादी अम्मा बोली। नहीं दादी, मैं ठीक हूँ, अर्जुमंद ने चोरी चोरी कमरे में झांकते हुए कहा और फिर आवाज निकाले बगैर कोई शेर गुनगुनाने लगा। एली सामने हैरान खड़ा था क्योंकि अर्जुमंद जानबूझकर उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। कुछ देर तो एली देखता रहा, फिर चुपके से उसके करीब आ खड़ा हुआ। उसे यूं करीब देखकर अर्जुमंद बोला, एली वो किताब तुम्हारे पास है ना? कौन सी किताब? एली ने पूछा। ओ भाई वही, वो बाआवाज़े बुलंद बोला, जो मास्टर साहब कल पढ़ा रहे थे, क्या नाम है उसका? फिर वो दबी दबी आवाज में एली से कहने लगा, वाह वाह क्या चीजें हैं, क्या हिकोरी डिकोरी हैं। हाँ भाई, तो वो किताब है ना जिसमें से आज सवाल करने हैं। वो फिर दादी अम्मा को सुनाने के लिए चिल्लाया, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला एडिशन, वो गुलाबी गुलाबी सी। उसने अंदर दालान की तरफ इशारा किया। क्या चीज है, वाह। एली की समझ में कुछ ना आ रहा था। दादी अम्मा अर्जुमंद को घूर रही थी, उसके रेशमी रूमाल को घूर रही थी। दफ्तन उसने दादी अम्मा की कड़ी निगाहों को महसूस किया। अच्छा, वो बोला, जरा हमारे घर आओ ना एली, वो छोटी छोटी गुलाबी गुलाबी छोटा वाला एडिशन, आओगे ना? उसने अंदर दालान की तरफ देखा। मैं इंतजार करूंगा, हाय क्या चीज है, और वो चला गया। अर्जुमंद के जाने के बाद रफीक आ गया, उसकी निगाहें यूं मुतमईन थी जैसे कुछ खबर ही ना हो। फूफी कहाँ है? उसने जेरे लब कहा। शायद इधर हो, वो अपने आप ही बोला और दालान में दाखिल हो गया। फिर वो ठिठका, ओह मुझे तो पता ही ना था। उसने गोया दीवार से मुखातिब होकर माजरत की और वापस जाने लगा। रफीक है, हाजरा ने आवाज दी। वो रुक गया, एक सरसरी मगर भीगी नजर सारा और सबूरा पर डाली, एक हल्की सी आह भरी। वो कहा था ना फूफी जी ने सौदा लाना है, तो मैं आ गया। खैर खैर। उसकी आंखों में गुलाबी छींटे उड़ रहे थे।